जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज मैं आप सभी को माता शीतला अदलपुर के दर्शन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना। चलिए दोस्तों, लेकर चलता हूँ आपको माता रानी के पास। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैं चल दिया हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर प्यारी प्यारी प्रतिमाएं लगी हुई थी माता रानी के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाई दूँ। और देखिए यहाँ पर प्रसाद भी है। तो दोस्तों चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको माता रानी के पास। तो दोस्तों यहाँ पर माता रानी जो कि अदलपुर धाम शीतला देवी का मंदिर है, यहाँ पे प्राचीन मान्यता यह भी है कि यहाँ पे जो भी भक्त अपनी मुरादें लाता है कभी भी माता उनकी मुरादें खाली नहीं होने देती है। इसीलिए यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी खाली झोली भर के जाते हैं। तो दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं दोस्तों। तो मैंने गंगा स्नान कर लिया हूँ और मैं जाने वाला हूँ अब माता रानी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों आज नवरात्रि का सेकेंड डे है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। तो चलिए मैं आप सभी को लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि माता रानी के दर्शन करने के लिए कितने ज़्यादा भीड़ लगे हुए हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमेशा भक्त आते रहते हैं और ख़ास करके जब माता रानी के नवरात्रे चलते हैं तो यहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आपको लेके चलता हूँ सीढ़ियों पे जहाँ पर माता रानी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और बहुत ही लंबी लाइनों के बाद मैं पहुँच चुका हूँ माता रानी के पास। और देख सकते हैं ये है माता रानी का प्यारा मंदिर दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया है माता रानी का। और यह है माता रानी के पास जाने का सीढ़ी। और दोस्तों आगे आपको मिलेगा माता रानी का जो है कि मंदिर और प्रवेश द्वार, देख सकते हैं यह है माता रानी के पास जाने का प्रवेश द्वार। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है दोस्तों। तो मैं भीड़ में जाता हूँ और माता रानी का पावन दर्शन